नमस्कार दोस्तों, खटीक महासंघ के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील बटोलिया आज आपको बताऊंगा टीकमगढ़ के कुंडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, और आप जानेंगे कि क्यों इस मंदिर के साथ खटीक समाज का नाम जोड़ा जाता है। इसके पीछे इतिहास ये है कि यहाँ पर खटीक समाज के लोगों का निवास था, और एक बार एक महिला ओखली में धान कूट रही थी। उसी समय उसने देखा कि ओखली के नीचे से रक्त की धार निकल रही है। वह डर के भाग गई और बाकी लोगों को बुलाकर लाई। जब वहाँ वापस आकर देखा तो शिवजी का शिवलिंग बाहर निकल रहा था, तभी से इसका नाम कुंडेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। ये चंदन की लकड़ी है, इसको घिसकर रोले के साथ माथे पर लगाने से मन शांत रहता है। यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है। बंदर इतने हैं कि यहाँ पर हर समय छड़ी साथ में रखनी होती है। बंदर खाना नहीं खाने देते हैं, छीन कर ले जाते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आए हुए हैं पूजा करवाने के लिए। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ कीर्तन चल रहा है। माना जाता है कि ये कीर्तन अनेक सालों से चल रहा है और हर समय चलता रहता है। लोग उठ जाते हैं और दूसरे उनके जगह आकर कीर्तन करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।